अरे यार, आज तो मेरे काफी ज्यादा सर में दर्द हो रहा है। अब मेरे से यहाँ पे बिल्कुल भी टिका नहीं जाएगा। अब मैं भाई फटाफट से छुट्टी लेता हूँ और अपने घर के लिए निकलता हूँ। गाइज, आपको पता है मैं ना पिछले 24 घंटे से यहाँ पे ना जॉब कर रहा हूँ। गाइज, यहाँ पे ना रेलवे है भाई, रेलवे ट्रैक पे मेरी जॉब लगी हुई है। तो भाई, मैं पिछले 24 घंटे से यहाँ पे काम करे ही जा रहा हूँ और आज तो काफी ज्यादा सर में दर्द हो रहा है। अब यार, मेरे को ना कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। गाइज, अगर मैं अपने बॉस से बोलूंगा ना कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो भाई वो ना मेरे को घर पे जाने नहीं देंगे। ये देखो गाइज, यहाँ पे ये सब काम है रेलवे ट्रैक का जो कि मुझे यहाँ पे करना पड़ता है। लेकिन भाई, अब तो मेरे काफी ज्यादा सर में दर्द हो रहा है, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। फटाफट से जाता हूँ और अपने बॉस से ना कोई बहाना बनाऊंगा, जाके बोलूंगा कि मेरे घर पे ना काफी अर्जेंट भाई काम पड़ गया है, तो भाई मेरे को घर जाना है। तो गाइस, क्या पता वो मेरे को घर जाने दे, वरना तो गाइस पूरे एक महीने तक भाई लगातार मेरे से यहाँ पे काम करवाएंगे और भाई मैं सिंचन के बिना तो रह ही नहीं पाऊंगा। ये बोल रहे कि भाई एक महीने तक मुझे यहीं पे काम करना है और घर पे नहीं जाना। मेरा प्यारा सिंचन भाई, उसकी मुझे बहुत याद आ रही है और सर में भी काफी दर्द हो रहा है। अभी फटाफट से जाके अपने बॉस से छुट्टी मांग लेता हूँ और घर जाके मजे से सिंचन के साथ खेलूंगा। सर में दर्द तो सिंचन यार यूं ही खत्म कर देता है अपनी बातों से। चलो चलते हैं भाई। कहां पर है मेरा सर? वो खड़ा मेरे ख्याल से, जल्दी से जाता हूं। और गाइस, अगर मैं अपने सर से बोलूंगा ना कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो भाई ये मेरे को दवाई खिला देंगे और यहीं पे रखेंगे। अरे ब्रेकल, जाकर काम धंधा कर ले, ये मुझसे ही बातें करने आता रहता मिसा। अरे सर, मैं क्या कह रहा हूं, मुझे ना अपने घर जाना है। अरे क्या घर जाना है? घर का तो नाम मत लिया, अभी तुझे सिर्फ और सिर्फ एक दिन हुआ है, एक दिन में घर की याद आ गई तुझे। अरे सर, मैं क्या कह रहा हूं, मेरे घर पे ना काफी अर्जेंट काम है। अर्जेंट काम? वो अर्जेंट काम यहीं पे कर, लेकिन तू घर नहीं जाएगा। अरे सर, रिश्तेदार आने वाले हैं भाई, जाना बहुत जरूरी है। रिश्तेदार आने वाले? मैं क्या बोलूं, रिश्तेदार आने वाले, तो चल तू घर जा अपने। और हाँ, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में आ जाइयो। अरे 2 घंटे में कैसे आ जाऊंगा, अब सीधे कल आऊंगा सुबह सुबह। हाँ ठीक है, फिर सुबह 5 बजे आ जाइयो। एक काम कर, मेरी गाड़ी लेके जा, वरना तू बहाना बनाएगा कि गाड़ी नहीं थी, ये नहीं थी। एक काम कर, मेरी गाड़ी लेके जा और सुबह 5 बजे मुझे तू जॉब पे चाहिए, समझ रहे ना? अरे वाह सर, बहुत बढ़िया यार, आपने अपनी गाड़ी दे दी, इससे अच्छी बात क्या होगी। मैं जाता हूँ सर आपकी गाड़ी से। यहाँ पे मेरे सर की 2 कार है, कौन सी से जाना चाहिए? एक काम करता हूँ, ये ऑरेंज वाले से चल जाता हूँ। जा फ्रैंकिल, जल्दी जा, और भाई सुबह 5 बजे मुझे तू जॉब पे चाहिए, समझ रहा है? बढ़िया, तो तेरा पत्ता काट दूंगा। चलो चलते हैं भाई, अब आएगा ना गाइस असली मजा। फटाफट से घर पे जाता हूँ और सिंचन के साथ भाई फुल मौज मस्ती करूंगा। काफी टाइम हो गया यार सिंचन से मिला नहीं। गाइस, अभी तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ 1 दिन हुआ है भाई, 1 दिन में यार मेरी तो हालत खराब हो गई सिंचन के बिना रह रहा हूँ गाइस मैं 1 दिन से। पता नहीं गाइस, अगर 1 महीना मैं सिंचन के बिना रह लिया तो मेरा क्या ही हो जाएगा। अबे लिटिल सिंघम, तू मुझसे स्कूल में बोल रहा था ना कि तेरे घर पे क्या है? अजय तुझे दिखाता हूँ यार मेरे घर पे क्या क्या चीज है। अबे सिंचन, तेरे घर पे तो कुछ भी नहीं है। अरे यार तो सही, लिटिल सिंघम के बच्चे, ये देख मेरे घर के बाहर यार कितनी सारी कुर्सियां पड़ी है। तुझे पता है रात को ना मेरे घर के बाहर पंचायत होती है, पंचायत यहाँ पे ना बहुत सारे बुढ़े आके बैठते हैं और बातें बातें करते रहते हैं। अबे सिंचन, तेरे घर पे आके वो बातें करते हैं, तुझे कुछ देके भी जाते हैं? अरे यार कुछ नहीं देके जाते यार, बस बैठते हैं और बातचीत करके चले जाते हैं। फ्रैंकिल भैया कभी कभी होते हैं ना घर पे रात को, तो उनके साथ भी बातें कर लेते हैं। आते फटाफट नीचे आए, तुझे बहुत तगड़ी मशीन दिखाते हो। मशीन सिंचन? कौन सी मशीन भाई, ये कौन सी मशीन की बात कर रहा है? अरे यहाँ पे आके देख भाई, तुझे पता है अपने फ्रैंकिल भैया लेके आए थे भाई, जहाँ पर जॉब करते हैं ना वहाँ से मशीन लेके आए और घर पे रख दी फ्रैंकिल भैया ने। अब सिंचन, ये मशीन तो भाई काफी खतरनाक लग रही है, ये देख मैंने क्या बढ़िया जंप मारी और एकदम ऊपर आ गया मशीन के। ओ सिंचन, ये मशीन भाई मेरे को दे दे 1 दिन के लिए। अरे पागल है, ये मशीन ना भाई बहुत भारी है और मैं तुझे कैसे दे दूं, ये पता नहीं फ्रैंकिल भैया की कोई काम की मशीन है। सिंचन भाई, तुझे पता है मेरे घर पे भी ऐसी बहुत मशीन है, ज्यादा एटीट्यूड मत दिखा। अरे मैं कहां दिखा रहा हूं तेरे को एटीट्यूड। सिंचन के बच्चे, ये तो मशीन कुछ भी नहीं है, मेरा घर तो पूरा मशीनों से भरा हुआ है। हाँ तो चल मैं तेरे घर चल रहा हूँ, दिखा मेरे को तेरे घर जाके कि तेरे पास कितनी मशीन है। अब रहने दे सिंचन, मैं ना किसी को दिखाता नहीं हूँ मशीन, समझ रहे ना? अरे जाना, तेरे पास मशीन होगी जब तो दिखाएगा। अभी रुक जा सिंचन, मैं तेरी कुट्टा होके जा रहा हूँ। हाँ तो चले जा, कल को खुद ही आएगा सिंचन। सिंचन आवाज मारेगा मेरे घर के आ गया कि। चलो चलता हूँ फटाफट से और पापा से जाके बोलता हूँ कि पापा तुम भी जाके ना मशीन खरीदो और कुर्सी खरीदो। ये ले सिंचन, तेरी कुर्सियों को तोड़ दूंगा। मेरे को तब सिंचन से चिड़न लग गई, सिंचन के पास तो मशीन भी है और काफी सारी कुर्सी भी है। चलो भगते भगते मैं अपने घर पे तो आ गया। अरे पापा जी कहो, लगता है पापा जी है नहीं। अरे वो तो खड़े, लेकिन ये पिंजरा किसके लिए है पापा जी? ये पिंजरा किसके लिए? लगता है मेरे लिए बनाया पापा ने। पूछ लू पापा ये पिंजरा किसके लिए है? अरे लिटिल सिंघम बेटा इधर आओ। अरे हाँ पापा जी आ गया। ये जो पिंजरा देख रहे हो ना बेटा, ये आपके लिए बनवाया गया है। अरे पर पापा जी मेरे लिए क्यों बनवाया गया है, मैं कोई चिड़िया थोड़ ना हूँ। अरे तो बेवकूफ के बच्चे, चिड़िया को ही कैद करेंगे हैं? चिड़िया को आसमान में उड़ने दिया करो, उसे कभी कैद मत करा कर। अरे पापा जी मैं क्या कर रहा हूँ, ये लेख तू कुछ कह मत। अरे पर पापा जी मुझे मारा क्यों बेटा? कल रात जब मैं सो रहा था तो मेरी नाक में उंगली कैसे डाली तूने? अरे पापा जी आपको पता लग गया? तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं लगेगा? ये लेख और खा, इतनी गंदी गंदी हरकतें तू करता है, पता नहीं कहाँ से सीख गया। पर पापा जी ये पिंजरा क्यों बनवाया? जब मैं अपने दोस्त के यहाँ जाऊंगा ना तो मुझे पता है तू घूमने चले जाएगा, इसलिए मैंने ये पिंजरा बनवाया। अरे पर ये थप्पड़ क्यों मारा पापा? ये तो बता दो, ये बता के क्या बात हो गई थी, कैसे पापा जी कर रहा था? मैं क्या कह रहा हूँ पापा जी, 2-3 ना मशीन खरीद लो मेरे लिए, मैं मशीन में बढ़िया करके बैठूंगा और बहुत मजे करूंगा और सिंचन को चिढ़ाऊंगा। मशीन में बैठेगा? लगता है दोबारा प्रसाद चाहिए तुझे। नहीं प्रसाद तो नहीं,
पहुंची है। अब सुन, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर, अब तुझे पिंजरे में बंद करके जाऊंगा, समझ रहे ना? अरे नहीं पापा, ऐसा मत करो। चलो फाइनली मैंने अपने लिटिल सिंघम बेटे को पिंजरे में तो बंद कर दिया, अब लिटिल सिंघम बेटा तू कहीं जाके दिखा, तेरे में मत है तो। अरे पापा प्लीज पिंजरा खोल दो, जब तुम अपने दोस्त के यहाँ जाओगे मैं भी घूमने जाऊंगा, अब जाके दिखा। जब भी मैं कहीं जाता था ना घूमने के लिए तो लिटिल सिंघम बेटा हमेशा घर से बाहर निकल जाता था, अब जाके दिखाई मत है तो पिंजरे में बंद कर दिया, अब जाता हूँ अपने दोस्त के यहाँ। अरे यार पापा जी तो मेरे को पिंजरे में बंद करके चले गए, अब यार मैं कैसे खेलने के लिए जाऊँ? लेकिन एक सेकंड, मैं तो इसके ऊपर से कूद भी सकता हूँ, मेरी हाइट तो काफी लंबी है, ये लो बहुत ही बढ़िया मैं तो कूद गया। अरे मेरे पापा जी तुम मेरे को कभी पिंजरे में बंद ही नहीं कर सकते। मेरे पापा गए अपने दोस्त के साथ खेलने, अब मैं भी जाऊंगा अपने दोस्त के साथ खेलने, ये लो पिंजरे में भी आ गया, अब पिंजरे से बाहर भी निकल जाता हूँ। एक काम करूंगा, जब मेरे पापा का आने का टाइम होगा ना, जब पिंजरे के अंदर चले जाऊंगा फिर मेरे पापा को मेरे पे तरस आएगा, फिर मेरे पापा मेरे को 50 रुपए देंगे, फिर जाऊंगा 50 रुपए की चॉकलेट खाऊंगा। अभी मैं ना डांटे के घर जाता हूँ खेलने के लिए, सिंचन से तो मेरी कुट्टा हो गई, अब यार डांटे से भी कुट्टा रखी, अब किसके साथ खेलूं मैं। चलो यार फाइनली मैं अपने घर पे भी बस पहुंचने वाला हूँ, अब आएगा ना गाइस असली मजा। और गाइस मैंने ना यार गाड़ी में ना काफी सारी चॉकलेट ली अपने सिंचन के लिए। ओए मेरे सिंचन भाई, अरे सिंचन तो यहाँ पे है ही नहीं, लगता है नीचे होगा। एक काम करता हूँ, इस गाड़ी को ना गैराज में लगा देता हूँ, मेरे सर की कार है, अगर इस पे जरा सा भी स्क्रैच आ गया तो मेरे सर तो भाई मेरे को जॉब से निकाल देंगे। और ये रखिए गाइस अपनी काफी सारी कुर्सियां, गाइस रात को ना हम यहाँ पे पंचायत करते हैं बढ़िया करके, गाइस अपने पूरे लॉस सैंटोस की बातें करते हैं और बहुत मजा आता है यार बातें करने में। ओए मेरे छोटे भाई सिंचन कहाँ है? अरे वाह फ्रेंगल भी आ गई तुम जॉब से। अब सिंचन ये क्या कर रहा है तू? अरे कुछ नहीं फ्रेंगल भी, अपनी बॉडी बना रहा हूँ यार, तुम्हें पता है लिटिल सिंघम से आज ना मेरी लड़ाई होती होती बच गई, अगर आज लिटिल सिंघम से लड़ाई होती ना लिटिल सिंघम को बहुत मारता। अब बात सबको ले, मैं क्या कह रहा हूँ, बात सब मिल लेके लाया। अब चौप के बच्चे तेल ले बहुत कुछ लाया हूँ, और सिंचन भाई तेल ले मैं काफी सारी चॉकलेट लाया हूँ। अरे वह चॉकलेट लाइए फ्रेंगल भी है, अब आएगा ना चॉकलेट खाने में असली मजा। सिंचन मैं क्या कह रहा हूँ, अपना ये जो घर है इसके पीछे काफी सारी घास हो गया ये ना सिंचन, वहाँ पे सिंचन काफी सारे सांप मेंढक पता नहीं क्या क्या है। आजा चलते हैं सिंचन, एक बार वहाँ का माहौल देख के आते हैं और वहाँ की घास को काट के आते हैं। अरे चलो फ्रेंगल भैया चलते हैं घास को काट के आते हैं, पहले रुक जा मैं नहा लूं भाई, नहाकर गाइस सच में एकदम ठंडा ठंडा लग जाता है। चलो ना फ्रेंगल भैया चलते हैं घास काट के आते हैं यार। और तुम्हें पता है फ्रेंगल भैया तुम्हें एक दिन से यार घर पे नहीं थे ना, तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगा यार तुम्हारे बिना। अब सिंचन भाई मेरी भी यही सिचुएशन थी सिंचन, जॉब पे भाई बिल्कुल मन ही नहीं लगा यार तेरे बिना। चल फटाफट से यार चढ़ जा, बहुत बढ़िया यार चढ़ गया, काफी खटीन है सिंचन, चढ़ जाएगा तू। अरे बेफिक्र रहो फ्रेंगल भैया यार, मेरी चिंता मत करो, बिल्कुल मैं तो यूं ही चढ़ जाऊंगा, आ जा तो फटाफट से। देखो तो सही यहाँ पे कितनी घास हो गई है, चौप का बच्चा बता रहा था यहाँ पे काफी सारे मेंढक और काफी सारे सांप बिच्छू हैं। अरे चलो फ्रेंगल भैया चलते हैं यार, सिंचन मेरे को तो यहाँ पे कोई घास बड़ी बड़ी लगती नहीं है, यहाँ पर ये कुछ बड़ा सा पेड़ है, एक सेकंड ये क्या चीज है भाई? अरे ये कौन सा घर है सिंचन? अरे हमारे घर के पीछे कौन सा घर बन गया फ्रेंगल भैया? ये लोहे का सिंचन भाई, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई, ये हमारे घर के पीछे किसने बना दिया? अरे मैं क्या कह रहा हूँ गेट खोले फ्रेंगल भैया, फटाफट से अंदर चल के देखते हैं। ओबे सिंचन ये तो भाई काफी अजीब चीज है, पता नहीं किसने बना दिया। अरे चलो ना फ्रेंगल भाई अंदर चलो, लगता है तुम्हारे तो डर लग रहा है। नहीं सिंचन डर नहीं लग रहा, चल चलते हैं भाई इसका गेट खोलते हैं और अंदर चल के देखते हैं आखिरकार इस घर के अंदर है क्या, ये शायद लोहे से बनाया गया है घर को, आजा चलते हैं। अरे ये क्या हुआ सिंचन? अरे बाबरी ये कैसे धुआं निकल रहा है, मुझे लग रहा है ये फटने वाला है। नहीं सिंचन ये भाई एक अलग सा धुआं है, ऐसा धुआं सिंचन मैंने कहीं देखा है, मेरे को याद नहीं आ रहा। अरे हाँ सिंचन ये तो मैंने टीवी में देखा है। अरे फ्रेंगल भाई अब क्या होने वाले बताओ ना, टीवी में क्या हुआ था? सिंचन भाई मेरे को लग रहा है भाई अब तो बहुत कुछ खतरनाक होने वाला अपने लॉस सेंटर्स में। अरे तो भागते हैं फ्रेंगल भैया। नहीं सिंचन भाग मत, देखे तो सही आखिरकार ये धुआं कब खत्म होगा। मेरे ख्याल से सिंचन ये धुआं कभी खत्म नहीं होने वाला। एक काम करता है सिंचन यहाँ पे ना पुलिस को बुलाता है। ओए किसने निकाला मेरे को बाहर, मेरे घर से किसने जगाया? अच्छा खासा मैं सो रहा था, लगता है ये दो नमूने है। अरे कौन हो रहा तुम? अरे बाबरी ये कौन है फ्रेंगल भैया? मोटे इंसान। अरे भाई कौन है तू? अरे मुझसे पूछते हो? एक तो तुमने मेरे घर पे आके बैल बजाई और मुझको जगाया, और मुझसे ये पूछते हो मैं कौन हूँ? जल्दी बताओ पाखंडी हो, यहाँ पे क्या करने आये हो? अरे भाई हम पाखंडी नहीं है। अरे सिंचन ये तो हमको पाखंडी बोल रहा है, इसको सबक सिखाऊं क्या? ओ मुझको मारने के सोचे मत, तुझे मूंछ में लपेट के गोल गोल घुमा दूंगा, समझ रहा है ना? अरे यार सिंचन ये तो भाई काफी खतरनाक इंसान लग रहा है। अरे हाँ यार मेरे को भी काफी खतरनाक इंसान लग रहा है। फ्रेंगल भाई एक बार इसका पेट देखना, अगर इसने तुम्हारे ऊपर पेट फेंक के मार देना तो तुम तो वहीं पे दब जाओगे। ओ मेरी बात सुनो, तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने मुझे जगाया क्यों? अच्छा खासा मैं अपने घर में सो रहा था। अरे भाई ये तेरा घर नहीं, ये मेरा घर है, तूने मेरे घर के अंदर अपना घर बना रखा। अच्छा अच्छा ये तेरा घर है, तो तेरे से इज्जत से बात करनी पड़ेगी, नहीं तो तू मुझे अपने घर से भगा देगा। हाँ तो इज्जत से बात कर फटाफट से। ये बता बेटा क्या चाहता है तू मुझसे? एक काम करता हूँ तेरे को मैं वरदान दे दूँ, फिर तो मुझे अपने घर में रखेगा। अरे वरदान कौन सा वरदान देने वाला है बेटा? चल तेरे को वरदान देता हूँ जिससे कि मैं तेरे घर में रह सकूँ, तू मेरे को भगाइए मत। अरे हाँ भाई मैं तेरे को कभी भगाऊंगा नहीं, बता कितने पैसे देगा? पैसे नहीं वरदान दूंगा बेटा, तू जो सोचेगा वो तेरे सामने आएगा और तू बहुत अमीर हो जाएगा, समझ रहा ना? तू अपने इच्छा अनुसार बेटा जो तुझे चाहिए वो मांग ले जा, मेरी तरफ से तेरे को आशीर्वाद है। अच्छा आशीर्वाद? अरे सिंचन वो कहाँ गया? अरे बाबरे वो तो गायब हो गया फ्रेंगल भैया।
और सिंचन वही वो जो यार धुआं निकला था वो भी अचानक से गायब हो गया। अरे मुझे लगता है फ्रेंकली भैया यार वो ना कोई जादू इंसान था, जादू इंसान नहीं सिंचन, जादू ही मोटा इंसान है। अरे हाँ जो कोई भी फ्रेंकली भैया आपको सोच के देखो ना, उसने बोला जो सोचोगे वो होगा। अच्छा सोचता हूँ मेरे और सिंचन के कपड़े चेंज हो जाए यहाँ पे। अरे वाह सिंचन भाई तेरे और मेरे तो कपड़े चेंज हो गए। अरे वाह फ्रेंकली भैया लगता है फ्रेंकली भैया यार अब ना तुम यार बहुत अमीर बन जाओगे, मैं ना काफी ऊंची ऊंची जंप भी लगाने लग जाऊँ। अरे क्या फ्रेंकली भैया तुम ऊंची ऊंची जंप लगाओगे? रुक सिंचन मैं क्या सोच रहा हूँ पहले यहाँ पे कुछ और सोचते हैं। अरे अभी तुमने सोचा तो ऊंची ऊंची जंप लगाने के बारे में, रुक सिंचन यहाँ पे एक गोल्ड की कार आ जाए। अरे ये कौन सी कार है? अरे मुझे नहीं लगता फ्रेंकली भैया ये कोई गोल्ड की कार है। सिंचन ये गोल्ड की कार है क्या? मेरे को तो लगता नहीं है, ये तो मेरे को कोई ऑरेंज कलर लग रहा है। अरे पर फ्रेंकली भैया यार ये तो कोई सुपर कार है। बढ़िया सिंचन सुपर कार तो आई कम से कम। और सिंचन मैंने क्या सोचा था भाई मैं बहुत लंबी लंबी जंप लगाने लग जाऊँ। अरे हाँ तो फ्रेंकली भैया यार लंबी लंबी जंप लगा के देखो ना। वैसे सिंचन कुछ भी कहे यार ये कार काफी ओपी लग रही है। अरे जंप लगाओ ना फ्रेंकली भैया यार, तुम जंप बोल रहे हो कि जंप लगा सकती हो लंबी लंबी? रुक सिंचन जंप लगा के एक बार देख ही लेता हूँ, वैसे यार मेरे को डर लग रहा है अगर सिंचन। अरे वाह यार रुक सिंचन भाई मैंने काफी लंबी जंप लगाई। तो फाइनली गाइस अभी पूरे 8 घंटे बीत चुके हैं और गाइस मैंने और सिंचन ने मिलकर देखो भाई यहाँ पे कितना कुछ सोचा और गाइस हमने जो कुछ सोचा वो हमारे सामने आ गया। गाइस यहाँ पे हमने काफी छोटे छोटे यार हेलीकॉप्टर मांगा है और काफी सारा गोल्ड भी मांगा है और यहाँ पर देखो भाई सिंचन के लिए काफी सारी टॉय वाली कार मांगी है। अब तो सिंचन के पास गाइस टॉय वाली कार की कोई कमी नहीं है। और गाइस मैंने ना यहाँ पे अपने लिए काफी सारी बाइक मांगी है और काफी सारी सुपर कार भी मांगी है। अरे हाँ फ्रेंकली भाई यार हमने तो यार बहुत कुछ मांग लिया यार और तुम्हारे अंदर तो एकदम ओपी वाली पावर आ गई है। और गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ यार मैंने और यहाँ पे क्या क्या मांग रखा। अरे बाप बच गया बार, नहीं यार लग गई मेरे यार सही टाइम पे पैरासूट खुला नहीं, अगर पैरासूट खुल जाता ना तो शायद मेरे लगती नहीं। चलो छोड़ो भाई इतनी तो लगती रहती है। वैसे गाइस अब मेरे को ना यार जॉब पे जाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अब यार जब मेरे पास इतना सब कुछ पावर वावर आ गई है तो जॉब पे जाके क्या फायदा मेरे को? मेरे अंदर तो यार काफी तगड़ी मैजिक पावर आ गई। गाइस मैं जो सोच रहा हूँ भाई मेरे पास आ जा रहा है। और गाइस यहाँ पर देखो यार सिंचन के लिए मैंने काफी छोटे छोटे यार टैंक भी मांगे जिनसे सिंचन खेल सकता है और मैंने अपने लिए काफी बड़ा यार आर्मी वाला टैंक मांगा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और इधर काफी सारे रिमोट कंट्रोल कार हैं यार सिंचन के लिए। गाइस सिंचन ने ना ये बोला है कि मेरे से कि भाई एक ना बहुत बड़ा यार ट्रक मांगो और सिंचन बोला था उस ट्रक के अंदर काफी सारी चॉकलेट मांगो। वैसे गाइस मैंने अभी वो ट्रक मांगा तो नहीं है क्योंकि गाइस अगर मैंने यार वो ट्रक मांग दिया तो यार सिंचन तो भाई सारी चॉकलेट खा जाएगा और सिंचन के सारे दांत खराब हो जाएंगे। गाइस आप लोग मेरे को फटाफट से कमेंट करके बताओ मेरे को वो ट्रक मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए। अगर गाइस मांगना चाहिए तो फटाफट से कमेंट में यस लिखो और नहीं मांगना चाहिए तो नो लिखो। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस? फ्रैंकी सिंचन आपके भाई, तो यार फटाफट से गाइस अभी के इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक गाइस प्यार वाला बाय।